शाहरुख खान और मनी रत्नम ने साल 1998 में आई फिल्म दिल से में साथ काम किया था। इसे इंडियन सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। इसके बाद से ही लोग फिर से शाहरुख और मनी को साथ में काम करने देखना चाहते हैं। रिसेंटली शाहरुख खान ने खुद मनी रत्नम से पूछ लिया कि वो उनके साथ फिल्म कब बनाएंगे। शाहरुख ने लाइव इवेंट में ये तक कह दिया कि इस बार वो ट्रेन तो क्या प्लेन पर छैया छैया डांस करने को तैयार हैं। चलिए पूरा मामला बताते हैं। बीती रात शाहरुख खान को CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। 2019 के बाद शाहरुख खान की ये पहली मीडिया अपीयरेंस थी। इस अवार्ड शो में मणिरत्नम भी पहुंचे थे। लाइव इवेंट में शाहरुख ने मणिरत्नम से पूछ लिया कि वो उनके साथ दोबारा कब काम करेंगे। शाहरुख बोले, मणि सर, अब ये सब खुले में हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि मेरे साथ फिल्म कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहेंगे तो इस बार मैं प्लेन पर आपके लिए छैया छैया कर लूंगा। इस पर मणिरत्नम से पूछा जाता है कि वो शाहरुख के साथ फिर से कब काम करेंगे, तो मणि कहते हैं, जब मैं प्लेन खरीद लूंगा। शाहरुख कहते हैं, अगर मैं प्लेन खरीद लूं तो? मणि कहते हैं, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली फिल्म करूंगा। शाहरुख इस पर भी फनी जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मणि सर, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से मेरी फिल्में चल रही हैं तो यह आपकी प्लेन बहुत दूर नहीं है। फिर मणि कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्लेन को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। मणि और शाहरुख का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड शो में शाहरुख ने लगभग 10 मिनट की लंबी स्पीच दी। इसमें उन्होंने अपने ब्रेक लेने से लेकर उनकी फ्लॉप फिल्में, उनके परिवार के संघर्ष और साल 2023 की सफल फिल्मों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ मौजूद हर किसी को और टेलीविजन पर मुझे देखने वाले सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा। आप में से जो लोग इस साल मेरी फिल्में देखने आए थे, आप में से कुछ को वो पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि आप वहां आए थे मेरा और मेरे परिवार का सपोर्ट करने के लिए। इसलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे प्रियजनों को खुशी देने के लिए थैंक यू। मुझे एक बार फिर स्टार बनाने के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शाहरुख ने बीते साल 3 फिल्में दी, पठान, जवान और डंकी। तीनों ही सुपरहिट रहीं। तीनों ने मिलकर करीब 2600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।